तो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानना चाहते हैं कि भाई बजाज पल्सर NS 400 लॉन्च होगी, क्या कुछ आएगा, क्या कुछ नहीं आएगा। फाइनली भाई 11 बजे इस बाइक को बजाज वालों ने लॉन्च कर दिया है। सो इस बाइक का सबसे पहले जो नाम रखा है बजाज पल्सर NS 400Z, मतलब जेड लगा दिया इसके लास्ट में, पता नहीं क्यों लगा दिया है। खाली NS 400 रहता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इस बाइक को लेकर बहुत सारे लोग की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, कुछ चीजों के ऊपर एक खरीद उतरे, कुछ चीजों के ऊपर नहीं भी उतरे, तो वो सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और इस बाइक का जो इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा बजाज ने वो रखा है 1.85 लाख रुपीज, मतलब गेम चेंजर बाइक बना दिया है। इस प्राइस पॉइंट पर अगर आप लोग देखोगे ना तो बजाज की डोमिनार 250 आती है, लगभग एक शोरूम यही प्राइस रहता है उस बाइक का भी, 1,85,000 के आसपास। ऑन रोड अगर देखोगे, अगर दिल्ली का एक रफ आइडिया बताऊँ तो लगभग 215 या 220 तक आपको ऑन रोड देखने के लिए मिल जाएगी। आज तक की 400 सीसी की इससे सस्ती कोई बाइक हो ही नहीं सकती है। हाँ, एक चीज है, अगर आप में से कोई लेना चाहते हो तो 5,000 रुपये से इसकी बुकिंग करा लो, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है। बहुत ही जल्दी इसके ऊपर प्राइस जहाँ तक है बजाज वाले मुझे एक्सपेक्टेड है बढ़ा देंगे। हालांकि इस बाइक के अंदर क्या क्या चीजें दी, क्या क्या चीजें नहीं दी, आज आप लोगों को कन्फर्म रिपोर्ट आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। हालांकि इस बाइक की जो ओवरऑल जो स्पॉट्स निकल कर सामने आ रहे थे, या जो लुक्स थी, जो डिजाइन थी, सब कुछ सही था, एकदम एक्यूरेट था, वही सारी चीजें इसके अंदर देखने के लिए मिली हैं। हालांकि वैल्यू फॉर मनी बनाने के चक्कर में कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसके अंदर से काट दी गई हैं। बेसिकली मैंने ये चीजें शोरूम पे ही जाके पता करी थी, शोरूम वाले ने बोला था कि हाँ हाँ ये चीजें भी आएंगी इसके अंदर, बट वो नहीं दिया। अब वो सबसे बड़ा रीजन देखो, एक ही चीज है बजाज को क्या चाहिए, हमें कम पैसे में ज्यादा चीजें ऑफर करनी है, मतलब कम पैसे में हमें सब कुछ देना, तो उस रीजन की वजह से कहीं ना कहीं इसके अंदर से ये चीजें कट हो गई हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल इंजन के बारे में। तो इंजन इसके अंदर आप लोग को 373 सीसी का देखने के लिए मिलेगा, जो सेम मेरी KTM ड्यूक 390 के अंदर आता है जनरेशन 2 वाली में, या फिर आप बोल सकते हो कि बजाज की डोमिनार 400 के अंदर आता है। हालांकि पहले रूमर ये भी निकल कर सामने आ रहे थे, और मेरे को ये बात बजाज के शोरूम से ही पता चली थी, मतलब कुछ शोरूम थे जहाँ पे लोग बोल रहे थे कि हो सकता है कि ये वाला इंजन है, तो वही चीज मैंने आपके साथ रखी थी। तो इसके अंदर इंजन जो दिया वो बजाज ने डोमिनर वाला ऑफर कराया, लगभग 40 BHP की ये पावर जनरेट कर रही है, 35 Nm का टॉर्क निकाल कर देने वाली है। तो इंजन के मामले में तो सबसे पहली चीज ये निकल कर सामने आती है। सेकंड चीज, बजाज ने जिस चीज के ऊपर कॉस्ट कटिंग नहीं करी है, जिस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, वो है इस बाइक के अंदर आप लोगों को राइड बाय वायर देखने के लिए मिलेगा। पर्सनली अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो राइड बाय वायर एक ऐसी टेक्नोलॉजी, जब तक आप इसे यूज नहीं करोगे आप इसके बारे में नहीं बोल सकते कि ये भाई चीज क्या है। आपकी बाइक का एक्सेलरेशन इतना ज्यादा ब्रूटल हो जाता है राइड बाय वायर की वजह से, मतलब नेक्स्ट लेवल, आपको मजा आ जाता है। तो वो चीज NS 400 के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, NS 400Z के अंदर। सो नेक्स्ट चीज की अगर यहाँ पे बात करते हैं, तो नेक्स्ट चीज आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी, फ्रंट के अंदर जो सस्पेंशन है 43 mm के, इसके अंदर USD फोक्स दिए हैं। हालांकि जो USD दे रखे हैं चार कलर के अंदर निकाले हैं, चारों कलर के अंदर आपको गोल्डन कलर के ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो जो चार कलर वो आप लोगों के लिए मैं स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा, आप लोग देख लो, ये कुछ चार इमेजेस हैं। और आप लोग कॉमेंट करके बताओ आप लोगों को इन चार कलर में से सबसे बढ़िया कलर कौन सा लग रहा है, और कौन सा वाला आप इनमें से अगर खरीदोगे तो कौन सा वाला लेना कंसिडर करने वाले हो। फ्रंट का जो डिजाइन है वो सेम वैसे जो स्टैटिक सा बना हुआ, मतलब जैसा वो बिजली जैसा कुछ डिजाइन है, वो चीज एज इट इज सेम रहने वाली है। सामने की तरफ प्रोजेक्टर देखने के लिए मिलेगा। एक चीज बहुत अमेजिंग है इस बाइक के अंदर, जो इसका फ्रंट का जो डिस्क ब्रेक की प्लेट है उसका जो साइज है काफी बड़ा है, 320 mm की दी है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उससे ब्रेकिंग जो बहुत बढ़िया रहने वाली है। ग्रेमिका के ब्रेक पैड्स वगैरह दे रखे हैं, पूरा जो कैलिपर है वो ग्रेमिका का है। सो ये चीज तो जब बाइक को चलाएंगे तब और अच्छे से बता पाऊंगा कि ब्रेकिंग वगैरह कैसी है कैसी नहीं है, बट जो डिस्क ब्रेक की प्लेट है वो काफी बड़ी थी, उसके अंदर से अननेसेसरी जो मेटल है उसको भी रिमूव करा हुआ है, जिससे कि कहीं ना कहीं पे बाइक में थोड़ा बहुत वेट रिडक्शन के ऊपर भी बजाज ने काम करा है, तो वो भी एक बढ़िया चीज है। और हाँ, आप में से काफी सारे लोग कह रहे थे कि भाई इस बाइक के अंदर ये मेटल का स्विंग आर्म, जो मतलब पीछे की साइड में प्रॉपर मेटल का स्विंग आर्म दे रखा है, वो इतना बढ़िया नहीं नजर आ रहा है। भाई उसका क्या कर सकते हैं भाई, इन्होंने वैल्यू फॉर मनी बाइक बनाने के चक्कर में आप मेटल का स्विंग आर्म दिया। एल्यूमिनियम होता तो वो ज्यादा बढ़िया लगता, बट ठीक है, कोई बात नहीं है, सह लेंगे थोड़ा। और बाकी बाइक के अंदर आप लोगों को 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी आने वाला है, जिससे कि इसका गियर बॉक्स है, या फिर आप लोग क्यों कह सकते हो कि जो ट्रांसमिशन रहने वाली है, गियर शिफ्टिंग रहने वाली है, बहुत ज्यादा स्मूथ रहेगी और बहुत बटरी स्मूथ आप लोगों के गियर अप एंड डाउन होने वाले, तो डेफिनेटली वहां पे आप लोगों को NS 400 को चलाने में या ओन करने में मजा आ जाएगा, तो वहां किसी तरीके की दिक्कत परेशानी नहीं बनेगी। इंजन 400 सीसी का लिक्विड कूल इंजन है, तो वो भी एक बढ़िया चीज वाली बात है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक रहेगी। अभी जो मतलब ऐसा कंपनी वाले बोल रहे हैं कि टॉप स्पीड 155 तक जाएगी, रियल लाइफ में इसकी जो टॉप स्पीड हो जाएगी लगभग 165 क्रॉस कर देगी इजिली, जो मुझे लगता है। एंड उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ, तो उसके अंदर काफी सारी चीजें यहाँ पे बजाज ने इंटरेस्टिंग सी ऑफर करी है। नॉर्मली आपको पता है कि भाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे रखी है, 10x10 नेविगेशन दे रखा है, USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है, वेव की वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। एडिशनली इसके अंदर आप लोगों को स्विचेबल MTC देखने के लिए मिलने वाला है, मतलब मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल आप लोगों को इसके अंदर स्विचेबल देखने के लिए मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत स्टंट राइडिंग परफॉर्म करते हो या फिर पसंद करते हो, तो भाई ओपन रोड्स में मत करना, जो नॉर्मल रोड्स होते हैं वहाँ अपने किसी क्लोज एनवायरमेंट में अगर आप लोग करना पसंद करते हो, तो आप इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ऑन करके स्टंट्स वगैरह परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ऑफ करके मतलब अपना मस्त स्टंट वगैरह परफॉर्म कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जो है उसको ऑन एंड ऑफ करने के दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहने वाले हैं। डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, आपके ऊपर चॉइस रहने वाली, ठीक है। और
उसी के अलावा नेक्स्ट चीज की बात करी जाए तो इसके अंदर चार राइडिंग मोड दिए हैं, रेन, रोड, ऑफ रोड, ऐसे आपको इसके अंदर चार राइडिंग मोड देखने के लिए मिलेंगे और एक स्पोर्ट्स भी है। सो अपने हिसाब से इसकी जो पावर है उसको आप कम ज्यादा करके थोड़ा बहुत मजे ले सकते हो। अगर आप किसी बिगनर बंदे के हाथ में दे दो थोड़ी पावर कम करके दे दो, अगर आपको खुद को चलाना तो स्पोर्ट्स मोड पे लगा के चला सकते हो। और डेफिनेटली जो ऑफ रोड मोड है उसके अंदर आपको जो रियर का एबीएस है वो स्विचेबल रहेगा, आप उसको ऑफ भी कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ ओवरऑल जो बाइक की लुक एंड डिजाइन है, जो फ्रंट का फेस है जहाँ पे इसकी प्रॉपर डियरेंस दे रखी है, वो ओवरऑल जो मतलब प्रोजेक्टर दे रखा है उस डिजाइन की बात करें जाए तो वो कहीं ना कहीं पे जो बजाज की एन सीरीज है उसको डिनोट करता है। टैंक देखा जाए और जो सीट्स हैं उनको देखा जाए तो वो NS 200 की याद दिलाती हैं। हाँ एक चीज मुझे इस बाइक में थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी जो मेरे को थोड़ी सी मतलब पसंद नहीं आई है। अगर आप इसका रियर ग्रैब रेल देखेंगे ना तो जैसे NS 200 के अंदर साइड में दो डेडिकेटेड दे रखे हैं, बट इसके अंदर Pulsar 150 जैसे कनेक्टेड सिंगल दे रखा है, वो मतलब थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो कि एक प्रीमियम बाइक वाली फील नहीं दे रहा है। मतलब जैसे कि बिगेस्ट पल्सर है वो वाली फील नहीं आ पा रही है थोड़ी सी। तो वहां पे उसके ऊपर अगर वो प्रॉपर मेटल का ना देखे दो अलग अलग दे देते ना जैसे कि रहता है टिपिकली, तो वो चीज ज्यादा पर्सनली मुझे लगता है बढ़िया लगने वाली थी। बट ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, अब इन्होंने नहीं दिया तो इनकी होगी कुछ मेंटेलिटी मतलब बजाज वालों की रीजन होगा कुछ जिस वजह से इन लोगों ने नहीं दिया। बट मैं पर्सनली मानता हूँ वैसे वाला होता ज्यादा बढ़िया लगता। अब बात करता हूँ आप लोगों के साथ में इसे टायर्स की, बाइक के अंदर टायर्स कैसे हैं कैसे नहीं है। सो टायर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि 150 सेक्शन रियर में आएगा, मेरी भी वही सेम एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ यार 150 सेक्शन तो एटलीस्ट देंगे ही, 400 सीसी की बाइक है क्योंकि डोमिनार के अंदर भी 400 सीसी में रियर में 150 सेक्शन का टायर देते हैं। तो वहाँ पे समझ में आता है कि हाँ भाई पीछे 150 सेक्शन देंगे, नहीं दिया। यहाँ पे भाई कॉस्ट कटिंग कर ली गई है तो फ्रंट के अंदर अगर देखोगे तो आपको 110 70 17 इंची का फ्रंट का टायर देखने के लिए मिल जाएगा नॉन रेडियल। रियर टायर की अगर बात कर जाए तो 140 70 R17 मतलब रियर में आप लोगों को रेडियल टायर देखने के लिए मिलने वाले 17 इंचेस का, और फ्रंट के अंदर जो टायर दे रखा है वो नॉन रेडियल दे रखा है। तो अब ये आप लोग देख लो कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा टायर्स के ऊपर जो करिए यहाँ पे बजाज ने कॉस्ट कटिंग तो आपको क्लियर कट नजर आने वाली है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है इस बाइक का वो भाई इसका प्राइस है, 1,85,000 रुपये में 400 सीसी की कोई बाइक नहीं आती है। और अगर आप लोग देखोगे तो भाई आप लोगों को 2 लाख रुपए के अंदर होंडा की CB 300F मिलती है जो कि नॉर्मल एयर कूल इंजन के साथ आती है या फिर आप लोग कह सकते हो ऑयल कूल इंजन के साथ आती है। बट यहाँ पे आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लिक्विड कूल इंजन के साथ 6 स्पीड के गियर बॉक्स के साथ प्रॉपर कंप्लीट एक भगाने के लिए एक्सेलरेशन से मतलब मजे करने के लिए एक्सेलरेट करके पूरा पावर वगैरह को फील करने के लिए, तो भाई बढ़िया चीज़ निकाल दिया बजाज ने। डेफिनेटली एक बहुत तगड़ा गेम चेंजर। अब आप लोग कह सकते हो कि बजाज की स्ट्रैटेजी है या फिर प्रॉपर बजाज की जो मतलब इनका ये था कि हमें कम प्राइस के अंदर देनी है। मेरे को तो एक्सपेक्टेड था पहले इस बाइक का जो प्राइस आएगा लगभग क्लोज टू 2.85 लाख रुपीज़ ऑन रोड इतना जाना चाहिए, एक्सपेक्टेड था क्योंकि एक्सोरूम सुनने में आ रहा था इसका 230 240 के आसपास आएगा। बट मुझे लगता है इन्होंने इसके अंदर क्विक शिफ्टर वगैरह नहीं डाला जो बाई डायरेक्शन वो शिफ्टर आता है अप एंड डाउन के साथ में, तो वो चीज़ इसके अंदर से रिमूव करने की वजह से जो इसका प्राइस वो काफ़ी ज़्यादा लेस हो गया, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। तो जो लोग इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हैं वो लोग इसको अभी खरीद लेना। और अभी अगर आप लोग 5,000 रुपये से बुकिंग करा दोगे तो जून के जहाँ तक है फर्स्ट वीक में है स्टार्टिंग के जून में आप लोग इस बाइक को खरीद भी सकते हो। बाकी डिपेंड करता है आपके स्टेट में कब तक आएगी, बट हाँ ये है कि आपको जून के स्टार्टिंग में ये बाइक मिल जाएगी, बुकिंग पर अभी करनी पड़ेगी। जो लोग अभी बुक कर देंगे उनको अभी वाला प्राइस मिलेगा और जो लोग बाद में बुक करेंगे मुझे ऐसा लगता है उनको क्या पता जो बाद में कोई लेटेस्ट न्यू प्राइस है उसके ऊपर बजाज वाले बाइक ऑफर करें, वरना 1.85 लाख रुपीज़ प्राइस आप लोग बताओ कैसा है कैसा नहीं है। मेरे हिसाब से तो बेस्ट प्राइस है। और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है कलर TFT दे रखी है प्रॉपर वाइट कलर स्क्रीन है, उसके ऊपर नीचे बजाज की ब्रांडिंग भी दे रखी है, वो देखने में अच्छी लग रही है, थोड़ी प्रीमियम सी भी लग रही है, मुझे पर्सनली बढ़िया नजर आई, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसमें सारे फीचर हैं, गियर पोजीशन इंडिकेटर पर आपको पता चल जाएगा, RPM मीटर भी उसके अंदर दे रखा है, डिस्टेंस टू MPT हो गया, आफ्टर फ्यूल इकोनॉमी हो गया, एंड उसके अलावा आपको कब सर्विस करानी है वो भी उसी के अंदर लिखा आएगा। ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप लोग कॉल अटेंड कर सकते हो, काट सकते हो, वो भी जहाँ तक फीचर इसके अंदर आपको दे रखा है। 10x10 नेविगेशन चला सकते हो, साइड के अंदर एक स्क्वायर शेप के अंदर एक स्क्रीन रखिए वहाँ पे आपकी टर्न बाय टर्न नेविगेशन चल जाएगी, ऐड करके देखा कॉल आएगा तो वहीं पे उसका नाम भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस टाइप के बहुत सारी चीजें इसके अंदर बजाज ने एड ऑन तो करी है, बजाज ने खुद को इम्प्रूव भी करा, काफी कुछ नया ऐड करने की भी कोशिश करी है, बट वो चीजें कितनी कैसी क्या काम करती है क्या नहीं है वो तो बाइक जब आ जाएगी तब आपको बताएंगे। बट अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करिए तो बाइक को देखने में बाइक बहुत ज्यादा अपीलिंग लग रही है, और उसी के साथ साथ इसके जो अलॉय व्हील का डिजाइन है वो भी मुझे ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो इसके अंदर टायर्स लगे हुए हैं वो भी काफी ब्रॉड लग रहे हैं, ऐसे लग रहा पतले हैं, काफी ब्रॉड लग रहे हैं, बट एटलीस्ट रियर के अंदर 150 सेक्शन आ जाता ना तो फिर तो मजा आ जाता। और जो रियर का स्विंग आर्म है जैसे कि मैंने बताया वो आपको मेटल वाला देखने के लिए मिलेगा, तो वो चीज़ तो थोड़ी सी रहने वाली है। एंड जो इसके साइड से साइड अगर आप साइड प्रोफाइल देखेंगे बाइक के तो उसके अंदर जो टैंक का डिजाइन है नीचे की तरफ जहाँ पे इंजन लगा हुआ है, साइड से पूरी ओवरऑल साइड प्रोफाइल देखोगे ना सेम टू सेम NS 200 जैसी लगती है, कोई भी चेंज नहीं लगते हैं। सेम थिंग गोज विद रियर, अगर आप लोग रियर प्रोफाइल देखेंगे बाइक के तो जो रियर की ब्रेक लाइट्स हैं या फिर रियर के टर्न इंडिकेटर है, रियर की जैसे कि हम टेल लाइट आफ्टर मार्केट लगवाते हैं जो इसके अंदर कंपनी फिटेड आती है,
वो सारी की सारी चीजें आपको सेम टू सेम NS 200 वाली देखने के लिए मिलेंगी। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे बन सकता है जिस वजह से इस बाइक की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम आ गई होगी, जिस वजह से बजाज इसको कम प्राइस पे सेल करने वाले हैं, क्योंकि इंडिकेटर सेम देखने के लिए मिलने वाले हैं, पीछे की रियर की टेल लाइट वो सेम देखने के लिए मिलेगी, एंड जो रियर का कंप्लीट सेक्शन है वो सेम देखने के लिए मिलने वाला है, साइड प्रोफाइल सेम रहने वाली है, NS 200 जैसा टैंक रहने वाला है, तो वहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। एंड उसके अलावा सीट्स आपको सिमिलर देखने के लिए मिलेंगी, स्प्लिट सीट्स दे रखी हैं, एंड उसके अलावा मुझे लगता है जो गियर लीवर वगैरह और जो छोटी छोटी चीज़ है ना बजाज ने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर पार्ट शेयरिंग करी है, जिससे कि एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है कि बाइक की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाए। सो ऐसे कुछ मुझे लगता है कि रीज़न है जिस वजह से बाइक को सस्ते में बेच भी रहे हैं, हालांकि प्राइस तो बढ़ेगा इसके ऊपर, इसीलिए इंट्रोडक्टरी प्राइस बोलकर इसको लॉन्च करा है। बाकी अब आप लोग बताओ कि आप लोगों को बाइक कैसे लेगी कैसे लेगी, कमेंट करके बताना, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कुछ टाइम देखा तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ प्रीत।